हे गाइस, आप सभी को पोकेमॉन फायर एच के एपिसोड 36 में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट जिम बैटल और सेकंड जिम बैटल किए थे और दो जिम बैचेस हमने अर्जित किया था और मुझे कॉर्फिश भी मिला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आई थिंक थर्ड जिम बैटल करने के लिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ना यहाँ पे मैं आपको एक जिम बैच दिखा देता हूँ और फर्स्ट जिम बैच भी हम दिखा देते हैं दोस्तों। और ये है सेकंड जिम बैच और ये फर्स्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हाउ डिड यू गेट बैक हियर? हम आई गेस द पाथ इज टू इजी टू फाइंड नाउअडेज। आई विल हैव टू चेंज इट। वेल, सिंस यू डिड मैनेज टू फाइंड दिस प्लेस, हाउ वुड यू लाइक टू टेक वन ऑफ द ओल्डर मडकीप दैट आई कांट कीप एनी लॉन्गर? तो दोस्तों, हम यहाँ पे मडकीप ले लेते हैं। ऑल्दो डोंट स्टे अराउंड टू लॉन्ग, यू मे हैव मेनी एनिमीज देयर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम मडकीप ले लिए हैं और मडकीप लेवल 10 का है, पर एज इन स्टोरी एश के पास मडकीप नहीं था दोस्तों, तो इसलिए हम मडकीप को पीसी में ट्रांसफर कर देंगे और हम चार पोकेमोन से ही खेलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें आई थिंक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे सावधानी के लिए रिपल यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो वाइल्ड पोकेमॉन फिर से अटैक कर सकता है दोस्तों, इसलिए हम रिपल यूज़ कर लिया है दोस्तों। और यहाँ से हम जा रहे हैं अब, और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ से हम ड्यूफोर्ट टाउन पहुँच चुके हैं। पहले पोकेमॉन हील कर देता हूँ दोस्तों और मडकीप को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम पोकेमॉन हील कर ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने पोकेमॉन हील कर लिया है और यहाँ पे हम मडकीप को ट्रांसफ़र कर देते हैं दोस्तों, मतलब डिपॉजिट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मडकीप को डिपॉजिट कर दिया है और अब हम फिर से जाने के लिए रेडी है दोस्तों। और आई थिंक यहाँ पे हमें फिर से सेलर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से आई थिंक तो दोस्तों, यहाँ पे रूट 109 दिख रहा है, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों, मैं पोकेमॉन ट्रिको को सामने रखता हूँ, एक बैटल होने वाला है दोस्तों इसलिए। और यहाँ पे जो टेलो के पास जो एक्सपी शेयर था वो हम कॉर्फिश को देते हैं क्योंकि कॉर्फिश लेवल 10 का है दोस्तों, इससे कॉर्फिश का भी फ़ायदा होगा, लेवल बढ़ जाएगा और मैं कॉर्फिश को भी जल्द से जल्दी यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। माय वाटर पोकेमॉन आर रेडी। तो दोस्तों, यहाँ पे सेलर हुई है इसका नाम और मैं ट्रिको को यूज़ किया है। और यहाँ पे एक बार डेक्सा खेल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे विंकल को हरा दिया है दोस्तों। और अब मैचअप आ रहा है, पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे ट्रिको ने बुलेट से यूज़ किया है और एक और अटैक और कॉर्फिश लेवल 11 में ग्रो हो गया दोस्तों। आई नीड टू ट्रेन मोर, डोंट आई। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और बैटल होने वाला है आई थिंक, देखते हैं। लेट पॉट इज नाइट बट इट डजंट हैव एनी जिम। यहाँ पे सेकंड बैटल और इसके पास एक ही पोकेमॉन है विंग, आसानी से हम हरा सकते हैं इसको। और यहाँ पे दूसरा अटैक, दूसरा अटैक में ने सेलर एक हरा दिया है। द नेक्स्ट जिम इज सो फार अवे। यहाँ पे एक और बैटल आई थिंक, देयर आर लॉट ऑफ रॉक पैचेस ऑन द वे। नाइस टू कम आउट हियर एंड रिलैक्स डीपली ऑन अ वाइल। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं दोस्तों। द बीच इज सो मच फन, आई जस्ट गॉट माय फर्स्ट पोकेमॉन। दोस्तों, यहाँ पे थर्ड बैटल और इसके पास मटकी है दोस्तों और ट्रिको ने बुलेट से यूज़ किया है, एक बार अटैक आउट कर दिया। तो दोस्तों, हमने मटकीप को हरा दिया है और कॉर्फिश भी लेवल 12 में ग्रो हो गया है। लास्ट एफएनए को हमने हरा दिया है दोस्तों। आई वंडर व्हाट मटकीप इवॉल्व्स इनटू। और दोस्तों, ये स्लेटपोर्ट सिटी है और स्लेटपोर्ट सिटी का बीच है ये। विन अगेंस्ट मी एंड आई विल गिव यू अ प्राइज। और यह फिशरमैन मॉन्टी है गाइस। और यहाँ पे मैं ट्रिको को यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा टफ होने वाला है ये बैटल, पर कोई बात नहीं, ट्रिको आसानी से ये मैनेज कर लेगा।
और यहाँ पे पीपल ने बुलेट से यूज किया है और ये उतना भी एक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे बाइंड यूज किया है और पीको इज हर्ट बाई बाइंड। और ये आपको मेगा ट्रेन पीको ने यूज किया है और गैराडोस ने बाइक यूज किया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से हम मेगा ट्रेन यूज करते हैं और ये आपके गैराडोस ट्रेन है और पीको को बहुत सारे एक्टिव मिल गया है और कॉर्फिश लेवल 13 और 14 में ग्रो हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक फ्रेश वाटर मिला है हमें, कम बैक एंड बाई एनिमल टैग, आई एम सो ट्रस्टिंग बट आई कैन नेवर बी। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से फ्रेश वाटर मिल रहा है पर मैं वो नहीं खरीदने वाला हूँ और हमें यहाँ से एक और बैटल करने वाला है। आई रिसेंटली फाउंड माई दोस्तों यहाँ पे पर से जो बड़की का बड़ा रूप है, मतलब विकसित रूप है दोस्तों। और यहाँ पे टीको ने बुलेट यूज किया और ये बुलेट रहा और सेकेंड अटैक और वहाँ पर पेंचर हो गया दोस्तों। बल की बात है और टीको भी लेवल 20 में ग्रो हो गया है और फिर लेवल 15 में और हमने इसको हरा दिया है दोस्तों। टीको इवॉल्व हो रहा है, मैं नहीं करूँगा, दैट वॉज जस्ट वॉट आई नीड। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्लेट पोर्ट सिटी पहुँच चुके हैं, पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे और कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे और कुछ नहीं है दोस्तों, इसलिए हम आसानी से स्लेट पोर्ट सिटी ढूंढ सकते हैं दोस्तों, मतलब प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जाना है स्लेट पोर्ट सिटी है द पोर्ट वेयर पीपल एंड पोकेमॉन क्रॉस पाथ्स ईच अदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम पोकेमॉन हील कर देते हैं पहले। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पोकेमॉन हील कर लिया है और अब थोड़ा सा टाउन एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक मार्ट है, व्हेनेवर आई विजिट आई कैरी अ लॉट ऑफ मनी। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा शॉप है, यहाँ पे देखता हूँ क्या मिलता है। यहाँ पे सो दोस्तों सी आइटम्स मिलता है और यहाँ पे भी वो सी आइटम्स मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी चीज़ है जिसका नाम है दोस्तों रेजर क्लॉ, वो हम खरीद लेते हैं। और रेजर फैंग भी है, ये दोनों आइटम हम खरीद लेते हैं दोस्तों और रेजर क्लॉ भी खरीद लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों पोकेबॉल्स मिलता है डिफरेंट टाइप्स के और यहाँ पे भी पोकेबॉल्स मिलते होंगे हाँ। और अब यहाँ पे जाके देखता हूँ दोस्तों और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे फ्लावर एसेंस मिलता है और यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों। यहाँ पे बेरी शॉप है और लास्ट शॉप है ये प्रोटीन का शॉप है, मतलब कैल्शियम विटामिन का शॉप है ये दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या है। माई पोकेमॉन हैज़ अ हैस्टी नेचर, इट हैज़ अ हायर स्पीड स्टैट्स देन एनी अदर पोकेमॉन, मे बी नेचर हैज़ ग्रोन अप समथिंग। सो दोस्तों यहाँ से हम जाते हैं अब और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सॉरी बट ओनली एम्प्लॉयज आर अलाउड टू एंटर कंपनी स्टोर। व्हेन यू सिंक अ मैन मेड ऑब्जेक्ट इनटू द सीज टू मेक अ हैबिटेट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल रीफ। अच्छा, और यहाँ पे स्टर्न्स शिपयार्ड है पर यहाँ पे हमें निर्देश नहीं है जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं एक बार। When the water is clean, the fruits are bountiful harvest, and when people gather a market for exchange, soon starts. That's what a market is built. तो दोस्तों ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनको। और यहाँ पे देखता हूँ, हेलो हेलो, आई एम द ऑफिशियल नेम रेटर। दोस्तों ये नेम रेटर है पर मैं अब नेम नहीं रेट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेम रेटर के बारे में बोल रहा है, वो हमें पता है। Boy, I'm tired. I came all the way to Marvel City. If I had known this city was so big, I would have brought my bike. तो दोस्तों यहाँ पे दादाजी थक गए हैं, बहुत चल के आया है इसलिए। और यहाँ पे दोस्तों पहले थोड़ा सा पोकेमॉन हील कर लेते हैं और गेम सेव कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे दो बैटल होने वाला है दोस्तों इसलिए। और अब हम जाते हैं दोस्तों बैटल करने के लिए। डोंट गेट इन आवर वे। दोस्तों इसका नाम है टीम मैक्रोफोर्ड और यहाँ पे हाउंडम को यूज़ किया है उसने और ट्रिको ने बुलेट सीट यूज़ किया है। यहाँ पे फिर से एक बुलेट सीट और यहाँ पे रोड
और टेलो वॉज ड्रैग्ड आउट, और यहाँ पे टेलो ने विंग अटैक यूज किया है और माउंटेन फेंटेड, और कॉर्फिश लेवल 16 में ग्रो हो गया है दोस्तों। यहाँ पे माइकी आना आ रहा है, पोकेमोन नहीं चेंज करूँगा, और यहाँ पे विंग अटैक, और यहाँ पे टेलो ने फिर से विंग अटैक यूज किया है और माइकी आना ऑलमोस्ट फेंटेड हो रहा है, और यहाँ पे माइकी आना को हरा दिया है, और यहाँ पे टीम मैग्मा बॉन को हरा दिया है। थिंक यू कैन टेक मी, और टीम मैग्मा ऐश आ रहा है, और यहाँ पे बुलेट से फिर से यूज करता हूँ, उतना एचडी नहीं रहा। यहाँ पे स्मोक या पोकेमोन चेंज करना जरूरी रखता है दोस्तों, और इसलिए मैं फर्स्ट टाइम कॉर्फिश को यूज करता हूँ। पर यहाँ पे टेलो वॉज ड्रैग आउट, और यहाँ पे टेलो ने विंग अटैक यूज किया है एम्बर, और यहाँ पे टेलो वॉज बर्न्ड, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे फिर से विंग अटैक, और यहाँ पे हाउंड ऑफ फेंटेड हो गया है दोस्तों, और कॉर्फिश लेवल 17 में ग्रो हो गया है। यहाँ पे प्रोटेक्ट अच्छा मूव लगता है दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक हार्डन के जगह में प्रोटेक्ट अच्छा रहेगा, और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीख लिया है कॉर्फिश ने, और यहाँ पे टेलो भी फेंटेड हो गया है, कोई बात नहीं। अब भी मेरे पास 3 बाकी है, और यहाँ पे माइटी आना आया है दोस्तों, यहाँ पे शैडो बॉल यूज किया, उतना यूटी नहीं रहा, और यहाँ पे फिर से शैडो बॉल, यहाँ पे क्रैब हैमर और माइटी आना फेंटेड, और हमने टीम मैग्मार एश को हरा दिया है। यहाँ पे दोस्तों एक और बैटल होने वाला है टमीटा, यू वांट टू स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग द रॉक सैंपल, यू आर वेरी मिसफॉर्च्यून टू थिंक यू कैन डू सो। सो दोस्तों यहाँ पे टीम मैग्मा टमीटा के साथ हमें बैटल करना पड़ेगा, और इसके पास भी एक माइटी आना है, और हम अब बुलेट सीट यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो ट्रिको ने बुलेट सीट यूज किया है और आयरन टेल, और यहाँ पे ट्रिको ऑलमोस्ट फेंटेड हो रहा है, कोई बात नहीं, मेगा टेल यूज करता हूँ, और यहाँ पे ट्रिको बहुत सारा एक्सपी मिला है, और यहाँ पे फिर से आयरन टेल से ट्रिको फेंटेड हो गया, कोई बात नहीं, अब और भी सवाल आता है, और यहाँ पे क्रैब हैमर, यहाँ पे दोस्तों कॉर्फिश ने यूज किया है, और यहाँ पे माइकी आना फेंटेड, और कॉर्फिश ने लैंडिंग में ग्रो हो गया। टमीटा यू में है Welcome to the Oceanic Museum. It is not the most impressive thing in the city, but feel free to look around. Some things to all our rock sample. What will you do? So, दोस्तों यहाँ पे हमने जो एडवेंचर था टीम मैग्मा के साथ ऐश का मुलाकात वो हमने कर लिया है दोस्तों, और अब हम फिर से जाने के लिए रेडी हैं, और बहुत सारा एडवेंचर आने वाला है दोस्तों, और आई थिंक यहाँ पे एक पोकेमोन कॉन्टेस्ट जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली है, और हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने पोकेमोन हील कर लिया है दोस्तों, और इसे जाने के लिए रेडी है, टाइम टू गेट रेडी फॉर माय कॉन्टेस्ट। रिबन इज माइन। तो दोस्तों ये यहाँ का आई थिंक पोकेमोन कॉन्टेस्ट हो रहा है, एक बार जाता हूँ मैं। ग्रेट टाइमिंग अनिकेत, आई जस्ट लॉस्ट माई फर्स्ट कॉन्टेस्ट, आई नीड मोर एक्सपीरियंस इफ आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट कोऑर्डिनेटर, हियर टू हेल्प आउट। तो दोस्तों ये पोकेमोन कॉन्टेस्ट में Bye.
लिया है दोस्तों। मैं आई थिंक आई पिक्ड अप अ फ्यू थिंग्स थैंक्स फॉर योर हेल्प। आफ्टर स्पेंडिंग मेनी इयर्स इन दिस टाउन आई डिसाइडेड टू लर्न अ स्पेशल मूव। और दोस्तों वो मेरा कोई पोकेमॉन अवेलेबल नहीं है, उनसे बात कर लेते। कॉन्टेस्ट वॉज अमेजिंग, आई विश आई कुड पार्टिसिपेट। आई एम वेरी सॉरी बट यू मिस द डेडलाइन टू कम्पीट योर फ्रेंड्स विद मी। आई गेस What a surprise! I am aiming to be the best coordinator. और इससे बात कर रहे थे, I only needed one more event to win. What am I going to do now? So दोस्तों ये almost Pokemon contest जीत लिया है। एक और contest है वो I think qualify कर सकता है। दोस्तों वो कोई matter नहीं है। अब हम Pokemon heal कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर से journey continue करते हैं। दोस्तों अब साइकिल यूज करते हैं जल्दी से जल्दी जाने के लिए। ये स्लेट फुल हार्बर है, एंजॉय डिलेट फुल रूल्स टू एसएस टाइट। वी आर नॉट रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम हियर। दोस्तों हमें आई थिंक यहाँ से जाना पड़ेगा। आई कांट बिलीव शी लॉस्ट। फाइट नहीं करने वाला हूँ और सावधानी के लिए दोस्तों आई थिंक या फिर से क्वाइट पोकेमॉन है दोस्तों और फाइट नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। I want to play.
चैंपियन को हरा दिया है। आज की वीडियो में हम जो मेन चीज था वो टीम मैच था दोस्तों, या फिर ऑप्शन है उसको आई थिंक मैं चैलेंज करने वाला हूँ और चैलेंज कर भी लूँगा, देखता हूँ आप दोस्तों। Yeah.
दिया है यूज़ थे वन। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक और बैटल होने वाला है को हरा दिया है दोस्तों। व्हाट्स एप विल मेक दिस प्लेस इवन बेटर वन डे। यहाँ पे दोस्तों हमें टीम लीडर के साथ बैटल करना पड़ेगा, उससे पहले थोड़ा सा पोकेमॉन हील कर लेते हैं दोस्तों और तब हम स्ट्रेट जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरे पोकेमॉन हील हो गए हैं और अब हम चैलेंज करने के लिए जा सकते हैं। पहले थोड़ा सा गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे गेम के ऊपर कोई भरोसा नहीं। Watson, wahaha, I have been looking forward to a good battle. Maybe this will give me a motivation to renovate this city. Give me everything you can. So, दोस्तों पहले ट्रिको को यूज़ करता हूँ, पिकाचू और टेलो अच्छा रहेगा और मैं कंफर्म कर देता हूँ। और ये है जिम लीडर वॉटसन और अच्छा रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों थंडर वेव यूज़ किया है, को पैरालाइज हो गया है, कोई बात नहीं दोस्तों। फिर से ट्रिको ने गीगा ड्रेन यूज़ किया है, एक और गीगा ड्रेन से खेल खत्म हो जाएगा दोस्तों। और ट्रिको ने गीगा ड्रेन यूज़ किया है फिर से और मैग्नेमाइट फेंडेड हो गया है। ट्रिको लेवल 22 में ग्रो हो गया है दोस्तों। अब मैग्नेटॉन आ रहा है पोकेमॉन यूज करूँगा देखता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ट्रिको फेंडेड हो गया, सो अब पिकाचू को यूज़ करना अच्छा रहेगा। पिकाचू आ गया है गाइस। और यहाँ पे आयरन टेल उतना भी इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे थंडर बोल्ट यूज़ करके देखता हूँ और यहाँ पे मैग्नेमाइट मैग्नेट्रॉन फेंटेड और अब वोल्टा वाला है पोकेमोन एक ही झटके में खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमने वोल्टा को भी हरा दिया है और पिकाचू ने हरा दिया है और जिम लीडर वॉटसन को भी हरा दिया है। यह वन डायनामो बैच ऑप्टेन डायनामो बैच। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड जिम बैच भी हमें मिल चुका है और अच्छी बात है क्योंकि थर्ड एपिसोड में हमने थर्ड जिम बैटल कर लिया है और हमें जीत भी लिया है। वर्सेस स्टॉम्पर सम अदर टाइम टू गेट अ रीमैच। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ जिम बैटल करने के लिए जाएंगे। मुझे एंजॉय इस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।